मॉर्निंग। आज हम लोग थोड़ा घूमने जाना चाहते थे, पर सुबह उठ के देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धूप है। कल एक्चुअली वेदर काफ़ी अच्छा था, सभी सोच में पड़ गए कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कुछ भी हो, खाना तो बनाना पड़ेगा, खाना तो खाना पड़ेगा, भूख तो लगेगा ना। सुबह उठ के मेरा जंग शुरू होता है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, बाप रे ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। तो घर पे ना ये मक्की की फ्लावर है, रोस्टेड रागी फ्लावर भी है, ये तो रिसेंटली लिया था, तो सोची आज इसका ही कुछ बनाती हूँ। ब्लॉको तुम सुबह सुबह क्या कर रहे हो? दीदुन बाजार गई थी सब्जी लाने, क्या कर रहे हो तुम? ये हैं ওগুলো করে না মাম্মা, তুলে রাখো প্যাকেটের মধ্যে, তুলে রাখো। হ্যাঁ গুড গার্ল, এটা তুলে রাখো, তুলে রাখো, তুলে রাখো প্লাস্টিকে, গুড গার্ল। আ আ বাবা বাবা বাবা, কি বাজার করতে বসেছো? মাকা এই চিলা বন রাহা হ্যায়, তো আমারে যে বন রাহা হ্যায় উসকে উপর থোড়া সা মানে मिर्च डाल दिया है, ग्रीन चिलीज, और ये ग्लोको का बन गया है, उसको मैंने तोड़ के दिया है ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। ग्लोको ये छो, ब्रेकफास्ट रेडी, आचो चलो चलो चलो। सो बन गया है चिला, इसके साथ हम थोड़ा सा हॉट एंड चिली सॉस के साथ खाएंगे। एक्चुअली ना ग्रीन चटनी के साथ अच्छा लगता है, पर अभी बनाने का मन नहीं हो रहा है, यही 10 बज गया है। वीडियो पब्लिश हो गया है, अर्निमन फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग लंच करके निकलेंगे और एक मंदिर ही है शायद, हाँ तो उसी लिए ना पूजा शायद देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं, तो आज पूरा वेज खाऊंगी, क्योंकि हम लोग कभी भी मंदिर या ऐसा का प्लान होता है ना दोपहर के लंच के बाद होता है, और वीकेंड में हम नॉन वेज खा लेते हैं, फिर मेरा ना मन ऐसा ऐसा होता है कि नॉन वेज खा के जाएंगे। हालाँकि अर्निमन को बहुत गुस्सा आता है सुन के कि क्या हो गया खाना खा लिया तो, और मेरा थोड़ा थोड़ा होता है। तो प्लान तो था ही जाने के लिए, इसलिए मैंने बोला था मम्मी को वेजिटेबल्स लेके आने के लिए, हम लोग अच्छे शेद्दो भात खाएंगे, जीरा सांबा राइस, मतलब गोविंद भोग राइस का शेद्दो भात। तो सारे वेजिटेबल्स मम्मी लेके आई है, क्योंकि का अच्छा पर धोने का कंडीशन, और कल फ्रूट्स लेके आए थे मम्मी और अनिर्वाण, तो पपाया का स्मूदी बनाने वाली थी पर यह कच्चा था, ये काटना पड़ेगा। और ग्लोको को मैं थोड़ा सा रस बना के देती हूँ मोसाम्बी का, देखो उच्छे कितना बड़ा हो गया, देख रहे हो आप। ग्लोको का नहाना हो गया है, ये लो ग्लोको मोसाम्बी, पियो 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 पियो, अरे बापरे 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 बापरे, पियो पियो, तुम्हें खाओ तुम्हें खाओ तुम्हें खाओ, भालो खूब भालो, नीचे दौड़ भी होना था। দমনে তো দমনে পুরো একসাথে বাবা কো তো দম না হ্যাঁ আরো আছে এখনই সিদ্ধ ভাত কা কুছ নেই রহতা হ্যায় আপ জিতনা চাহে ইসকে আন্দর ভেজিটেবল ডালো বাস ক্যাপসিকাম ফুল গোবি ইয়ে সব সবজি মত ডালনা মতলব দেশি সবজি সারে ডালনি হ্যায় মানে ডালা হ্যায় পরবল আলু পামকিন টমাটর ভিন্ডি ভিন্ডি জরুর ডালনা টেস্টি লাগতা হ্যায় इतना सब्जी डाल दिया है, देखो ना मैंने राइस डालने का जगह नहीं है, और राइस ना आप ये वाला राइस डालना, ये राइस से अच्छा बनता है गोविंद भोग राइस। मैं उधर एडिटिंग कर रही थी ग्लोको को बेड पे रख के, फर्स्ट ऑफ ऑल बेड का हालत देखो पूरा गंदा कर देती है, चारों तरफ घर पे कपड़े कपड़े कपड़े, कपड़ा खोल दिया अपना खुद का, फिर मैं अच्छा है क्या आई, दोनों पैर इधर डाल के हाथ ऊपर करके नीचे आई, जंप करने की कोशिश कर रही है, देखो 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 पूरा इधर चढ़ गई थी वो, आवार के नाम को देखाओ, वाह 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 असाधारण हो फूल, चल खाबी, ऑलरेडी नमक तो रहता ही है इसके अंदर, तो ये मैंने घी डाला था, घी नीचे चला गया है क्योंकि ये गर्म है, तो ऐसे ये हाथा बोलते हैं हम लोग, इससे ना थोड़ा सा हम मिला लेंगे सारे सब्जी वेजिटेबल्स राइस को, एक्चुअली ना राइस को और ज़्यादा पतला खाते हैं वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, पर मेरा प्रेशर कुकर में जो है ना पानी मैं ज़्यादा दे नहीं पाई, तो थोड़ा सा ये सूखा सूखा हो गया है, बट ये भी एक होता है अलग, हम लोग ना बोलते हैं इसको भात माखा दौला। ये रहा हमारा सिद्धो भात जिसके साथ हम हरी मिर्च खाते हैं, पापड़ खाते हैं, बॉयल्ड एग भी खाते हैं, पर आज वेज खा रहे, और ये ग्लोको का दही अच्छा लगता है तुम्हें सिद्ध भात? पापड़ होगा तो सब अच्छा लगता है। ओरे बाबा रे झूठ बोल रे गुजी बुबू, बस कितने बार कितने बार मैं झूठा हूँ ये तो है, चल 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 च
सो मैं हो गई हूँ रेडी विद डायपर बैग। आजकल मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा कम डिस्टेंस में ना डायपर बैग गाड़ी में रहेगा और मैं एक स्लिंग बैग में ब्लॉक भी चीजें लूंगी, पर अभी दूर जा रही हूँ इसीलिए डायपर बैग ही भरोसा है। रेडी सेडी गो ग्लॉकू, अपने हाई चेयर बोल रही हूँ, सॉरी कार सीट में बैठ गई है आराम से ग्लॉकू, क्योंकि लॉन्ग जर्नी है ना, तो अभी ऑलमोस्ट 4:15 बज रहा है। फर्स्ट हम लोग लीसा को लेंगे, उसके बाद गच्चीबौली में हम और दो फ्रेंड्स हैं, मतलब और दो गाड़ी एक साथ मिलके 3 गाड़ी एक साथ जाएंगे, और एक जो है ना उनका रास्ता ही अलग है शायद, हाँ। तो अलग से आके ज्वाइन करेंगे। चलो चलो दुगा दुगा। क्या बता सकते हो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं सांघी टेम्पल। ये टेम्पल हैदराबाद से अप्रॉक्सीमेटली 60-70 किलोमीटर दूर में पड़ता है, पर आप ORR मतलब आउटर रिंग रोड पकड़ के ही चलते हो, तो इसीलिए आपका जो रास्ता है ना बहुत ज़्यादा खाली खाली रहता है, मतलब आप 100-120 में ईजीली गाड़ी चला सकते हो और करीब 1 घंटे में ही पहुँच सकते हो। और बाकी रास्ते के जो ये सुंदर सुंदर नज़ारिया रहता है ना वो तो फ्री में। तो पहुँचते पहुँचते एक्चुअली हम लोगों को शाम हो गया था, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा धूप है, तो हम लोग 4:30 बजे से पहले निकल भी नहीं पाए, क्योंकि बच्चे के साथ उतनी धूप में जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इधर पे सीढ़ी भी होता है और इधर पे कार एकदम ऊपर तक पे जाता है, तो आप कार लेके आ रहे हो तो एकदम ऊपर तक आ सकते हो, उधर ही चप्पल रख के आप मंदिर में एंटर कर सकते हो। ये मंदिर बहुत सुंदर है, वाइट कलर का है। इस मंदिर में ना एक साथ बहुत सारा अलग अलग मंदिर है, प्रसाद भी ले सकते हो। हम लोगों ने लड्डू और पुलिया रखाया था, मतलब लेमन राइस, जो दिखाना मैं भूल गई, और मम्मी का कुछ था पूजा देने का, मानसिक बोलते हैं ना हम लोग, तो जब मैं प्रेग्नेंट थी 3 महीने या 4 महीने मम्मी पापा मतलब मेरे इन लॉज के साथ इधर आए थे, तो उस टाइम पर शायद मम्मी ने वो किया होगा, तो आज हो गया पूजा देना। और देखो शाम ढल रहा था और शाम ढल भी गई, सूरज ऐसे सनसेट हो रहा था, दिखने में बहुत अच्छा लगा। और देखो ग्लॉकू को कैसे नीचे उतार रहे हैं अनिर्बान, मुझे तो बहुत डर लगता है। उसके बाद उधर पे एक छोटा सा दुकान है स्नैक्स का, तो इधर देखो टिफ़िन बॉक्स में ग्लॉकू का खाना है, और खाना जो है ना मैं ऐसे डिप कर करके दिखा रही थी ग्लॉकू को कि यही वाला खिला रही हूँ, पर पाव भाजी हम लोग खा रहे थे। हम लोगों ने पापड़ी चाट भी खाया था, कोल्ड ड्रिंक्स लिया था जो मैंने नहीं खाया, पर ग्लॉकू को फिर भी समझ में आ रहा था कि वो डिफरेंट खा रही है, हम लोग डिफरेंट, तो इसलिए रो रही थी। हमारी एक फ्रेंड वो अलग आई थी जाने के टाइम पे ना, तो हम एक गाड़ी उसके सामने एक गाड़ी उसके पीछे ऐसे करके हम लोग चल रहे थे, तो थोड़ा सा धीमी स्पीड में चल रहे थे, लाइक 80-100, तो इसीलिए ना मैं फर्स्ट टाइम ORR को बहुत इंजॉय किया, क्योंकि आपको तो पता है अनिर्बान 120 में चलाता है। घर आ गए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मौज मस्ती हुआ, मैं बाद में आपके साथ गप्पे शेयर करती हूँ। सो फिलहाल अभी 10 बज रहा है, ग्लॉकू के लिए खाना चढ़ाना है और हम लोग बाहर से खाएंगे। ग्लॉकू का खाना चढ़ा दिया है, मम्मी बहुत दिनों से बोल रही थी मम्मी को ट्रीट देना है, और हम लोग ऐसे इग्नोर कर रहे थे कि नहीं आज नहीं करके, फिर मम्मी ने आज बोला कि आज ट्रीट लेना पड़ेगा। तो आज हम लोग, हमारे पास में गली में एक रेस्टोरेंट खुला है, ड्राइव इन काइंड ऑफ, अनिर्बान बोलते हैं कि वो ड्राइव इन नहीं है, वॉक इन है, क्योंकि कार या बाइक रखने का जगह नहीं है तो पैदल आओ, तो उसका रूफ टॉप भी है, इसलिए वो वॉक इन है, वॉक इन है, तो वॉकिंग में वाला वॉक इन नहीं है, खाने वाला वॉक इन, बहुत भीड़ होता है, तो आज एक बार ट्राई करेंगे। सो इधर की ना चाइनीज बिरयानी का दुकान दिखा मुझे, तो ये है चिकन मंचूरियन बिरयानी, दम बिरयानी मंचूरियन 65, ये मंचूरियन बिरयानी है, ये चिकन 65 बिरयानी है, और ये है मशरूम 65 बिरयानी, ये मैंने लिया। अच्छा हम लोग मुगलाई बिरयानी भी बोल रहे हैं, हाँ, पर उसके लिए रॉ चिकन होना है और देर हो गया तो खत्म हो गया। ओके चलो। और ग्लॉका सिंह क्या खा रही है? अब तुम्हें हाथ दे करो खा कर वो फिर से ग्लॉका, ए बाबा ये तो की कोड़ा सी लास्ट डेट को कोड़ा ग्लॉको, रिया मासी থেকে অনেক কেক খেয়েছে ग्लॉका सिंह पेट ভর্তি কেক খেয়েছে তারপরে পপ মাখানা মাখানা খেয়েছে। ঠিক আছে ছেড়ে দাও, প্লেটটা আমাকে ওখানে দাও, যদি আমাদের সাথে খায় খাবে। আব গ্লকু কো একবার দেখো, গ্লকু তো মুখটা দেখাও, চোখ তুলে দেখো না কে এসেছে, বাবা কি সুন্দর দেখতে লাগছে গ্লকাসি।
मुझे उतना खास क्या बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इस दुकान का बिरयानी। सो अगर आप बोलोगे नेक्स्ट टाइम खाओगे तो मैं बोलूँगी बिग नो नो नो। बहुत टायर्ड लग रहा है, बहुत बात करना था आपके साथ, कब पे जाना था, पर बहुत टायर्ड हो गई हूँ, 12 बज गया है। ओके सो चलो फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।